हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो एवरेज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि एवरेज में यानी औसत जो चैप्टर है इसके एक्सरसाइज वीडियोज़ हम लोग देख रहे हैं, और जिनमें से हम लोगों ने 3-4 एक्सरसाइज वीडियोज़ देख लिए हैं। आज हम लोगों का ये चौथा एक्सरसाइज का वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्टली औसत में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस तरह से उनका क्या स्वरूप होता है क्वेश्चंस का। और सारे क्वेश्चन चूंकि एवरेज चैप्टर है तो एवरेज से ही रिलेटेड होते हैं, तो ऑलमोस्ट तो नियम कानून हम लोगों ने देख लिया जो इस पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, जो कि कंपटीशन में आते हैं या फार्मूले पे जो बेस्ड होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे वो हम लोगों ने देखे, और उम्मीद है कि इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सी सेट के जो पार्ट में इन्हीं से सब सारे क्वेश्चंस आते हैं जो भी आने होते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं फंडामेंटल मैथ के लिए, इतना आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आइए बाकी के जो इस चौथे एक्सरसाइज हमारी है इसमें देखते हैं कुछ तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के आएंगे। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, संजय विद्यालय जाते समय पहले घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर विद्यालय पहुँचता है, तो संजय की औसत चाल क्या होगी? तो देखिए, जब किसी एक ही व्यक्ति की और एक ही जगह पर जाने में भिन्न भिन्न चालें परिवर्तित हो रही हों, ठीक है, यानी कि संजय जी घर से अपने विद्यालय तक जा रहे हैं और उस दरमियान वो 3 किलोमीटर के 3 घंटे की जर्नी में, एक एक घंटे की जर्नी भिन्न भिन्न स्पीड से वो तय करते हैं, कभी कभी माध्यम भी आपका बदल दिया जाएगा। जैसे क्या कह रहा है इसमें, वो गाड़ी से जाते हैं यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की, साइकिल से जाते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और किसी और साधन से जाते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगर ऐसा दिया हो तो इसमें औसत के क्वेश्चन में सीधे क्या करते हैं कि कुल चाल, ठीक है, कुल चाल बटे और जो आपका एक तरह से जो औसत निकालते थे, तो जितनी राशियां आपकी हुआ करती थी औसत में, तो राशियों की कुल संख्या और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती थी, इसका जो औसत निकालने का बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी चाल है तो कुल चाल बटे जो आपका जो टाइम पीरियड लगा है कि प्रत्येक घंटे में बदल रहा है ना, कुल समय कुल टाइम हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, तो ऐसे फार्मूले में सीधे सीधे आप क्या कर देंगे कि आपका पहले 30 किलोमीटर है ना, तो पहले 30 किलोमीटर कर देंगे प्लस 20 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर बटे में क्या हो जाएगा, 3 घंटे में चल रहा है तो एक एक घंटे का आपका सबका योग कर देंगे, एक एक घंटे का, क्योंकि एक घंटे में सारी स्पीड चल रही है तो उनका सबका योग यहाँ पर भी कर लेंगे और इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपका आंसर सीधे सीधे औसत चाल का आपका आंसर बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं तय की गई कुल, एक तरह से कहिए कि जो दूरी तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुछ समय, तय की गई कुल दूरी बटे तय तय की गई दूरी में लगा समय। तो समय क्या होगा, एक एक घंटा लगा है तो 3 घंटे का समय हो जाएगा, और दूरी क्या है, टोटल दूरी जो है 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कि इसका मतलब दूरी ये हो गया ना, एक घंटे में 30 किलोमीटर चला तो ये दूरी ही तो है, फिर दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर चला, फिर तीसरे घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो कुल इस तरह से ये दूरी ही तो बनी, तो 30, 20 और 10 यानी 60 किलोमीटर की दूरी हो गई, समय इनका 3 घंटा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 60/3 कर देंगे, आप इसको काट देंगे, 3 दूनी के 6 यानी 20 घंटा लगा, ठीक है। तो 20 क्या हो जाएगा, इसकी चाल जो है मनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो तय की गई कुल दूरी, ठीक है, तय की गई कुल दूरी। अब आप देखिए दूरी इसमें थोड़ा समझने की जरूरत होगी, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है लेकिन ये दूरी तो है, एक घंटे में 30 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर, तो तय की गई कुल दूरी बटे तय की गई दूरी में लगा कुल समय, तो समय एक एक घंटा लग रहा है, 3 3 घंटे लग रहे हैं, तो बटे आप सीधा से कर देंगे तो ये टोटल निकल के क्या आ जाएगा, एवरेज औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिए हों तो कुल तय की गई कुल दूरी बटे तय की दूरी तय करने में लगा कुल समय,
अगर निकालते हैं इसको बटे करके, तो जो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, औसत हो जाएगा। किसका? संजय की औसत चाल। इस चाल से यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चले थे, औसत अगर चाल निकाली जाए, और विद्यालय पहुंचने में उनको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की औसत थी उनकी चलने की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें देख रहा है 5 लड़कों की आयु क्रमशः इतनी 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 दी हुई है, यानी कि 8, 9, 11, 13 और 15 वर्ष है। क्या है इनकी? लड़कों की औसत आयु है। इन लड़कों की औसत आयु निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, पुराने ही बेस्ड फार्मूले पे आपका है। तो क्या हो गया? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हो जाएगा, राशियों का कुल योग। तो राशियों का योग मतलब यानी कि सीधे आप कर देंगे 8 + 9 + 11 + 13 + 15 बटे कितनी राशियां हैं, 5 लड़के हैं तो 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देख लेंगे। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा 5, 3, 8, 1, 9, 9, 2, 18, 18, 2, 20 और 6, 26 के 6 हाथ में लगा 2 2, 1, 3, 4, 1, 5, 56, 56 by 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो समथिंग आपका जो भी पॉइंट आपका आ रहा है, तो आप इसको यदि सॉल्व करेंगे आप, तो 5 × 5 = 5 जाएगा, तो यानी कि आप ऐसे कि 11 × 5 = 55 कर लीजिए सीधे से, 11 × 5 = 55, 11 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा 1/5, समथिंग इस तरह से आपकी ये औसत आयु, जो लड़कों की औसत आयु आएगी वो 11 वर्ष 1/5, इसको भाग और देंगे तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका यहीं पे सफिशियंट आपका आंसर ये हो गया आपका। क्लियर हुआ कि ये सीधा सब बेसिक क्वेश्चन पे ही बेस्ड था क्वेश्चन, तो इस तरह से औसत दे दिया गया जो आपके इसके बेसिक फार्मूले पे है। कुल राशियां मतलब जो उनकी योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हो जाएगा। तो राशियों का योग यानी जितनी राशियां दी गई उनका योग कर लिया गया बटे राशियों की जितनी संख्या है, तो 5 संख्या है तो 5 हो गया। ठीक है, अगला है, किसी परीक्षार्थी ने गणित के 4 परीक्षाओं में इतना 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 अंक प्राप्त किया, तो उसका औसत, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी वही कर लेना है, 4 + 8 + 5 + 3 + 3 + 8 + 7 कितनी राशियाँ कितनी है, 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, तो इनका औसत निकालेंगे, तो आप इसको जोड़ लीजिए, 8 + 7 = 15, 15 + 3 = 18, 18 + 2 = 20 + 6 = 26 हो जाएगा, हाथ में 2 लग जाएगा, 7 × 2 = 9, 3 × 9 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 3 = 20 + 1 = 21 216/4 कर लेंगे आप, इसको कर लीजिएगा, कट जाएगा आपका। अगर 4 से सीधे सीधे आप काटना चाहें तो कट जाएगा आपका संभवतः, देखिए 4 × 4 = 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, और फिर 4 × 4 = 16 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा आपका आंसर, 54 क्या निकल के आया, उसके औसत अंक निकल के आए 54, क्या है 54 आ गए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में मोस्टली आपको मिलेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको औसत के लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। 3 संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं तो तीसरी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, औसत दे दिया है, तो औसत बराबर फार्मूला में होगा क्या होता है बच्चों, औसत बराबर क्या होता है, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग, तो राशियां देखो क्या कह रहा है, 2 राशियां दी, इनमें से 2 संख्याएं, संख्याएं मतलब वही राशियां, दी गई संख्याओं का योग ऐसे कह सकते हैं, बटे जो संख्याएं, जितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, राशियों का योग यहां पर दे देंगे, राशियों की संख्या दे देंगे, तो संख्याओं जो संख्याएं हैं उनकी संख्याएं कितनी संख्या है वो आपको कर देना है। तो 3 संख्याएं यहां पर है ना, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, 13 और 15 कह रहा है, और तीसरी राशि आपको पता नहीं, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसकी जगह पे x कर लेंगे, और बटे में क्या कर लेंगे आप, जितनी राशियां हैं 3 राशियां हैं तो 3 कर लेंगे। अब इस तरह से औसत देखिए, पहले से 3 संख्याओं का औसत दे रहा है, 12 दे रहा है, इसका मतलब 12 मान इसका दे दिया है, यानी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 13 + 15 + x / 3। ठीक, अब इसको और सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करने के उपरांत आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आपकी राशि 12 हो जाएगी, 12 अब इसको जब जोड़ देंगे तो आप इसको देखेंगे कि इतना आ जाएगा आपकी राशि का, ये 13 × 26 = 27, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा बराबर 28 प्लस के, इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x है, प्लस x हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा आपका 28x, 28x कर लेंगे इसको आप सीधे 28x। ठीक, ये आपको देखिए जरा इसमें, ये x चूंकि प्लस के साथ में है तो यहाँ बेटा प्लस के साथ रहेगा, इंटू होता तभी आप हो पाता, बटे ये 3 कर लेंगे। अब इसका देखिए पक्ष, इसका त्रिक गुणा कर देंगे, तो त्रिक गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 12 + 3 = 36 हो जाएगा, तो 12
तिहाई हो जाएगा, तो यानी सीधे मैं 36 लिख रहा हूँ, या लिख लीजिए ऐसे ही, ठीक है, 28x प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे स्टेप पे जब करेंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 36 है प्लस बराबर 28 एक्स हो प्लस एक्स हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब 28 को इधर ले आइए, आप एक पक्ष को इधर कर दीजिए, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 36 माइनस 28 हो जाएगा इजिकल टू एक्स का मान होगा। अब इसको और सरल करेंगे तो इसमें से जब आप घटा देंगे तो आपका 628 यानी 8 हो जाएगा, x बराबर 8 आपका आंसर आया, x बराबर 8। तो यहाँ पर क्या करना था कि संख्याएं जो निकलनी थी तो औसत निकाल के देखेंगे तो 8 संख्या, यानी कि एक संख्या हो गई 13, दूसरी संख्या हो गई आपकी 15 और तीसरी संख्या हो गई 8। इसको और कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप इनको जोड़ लीजिए, बटे 3 कर दीजिए, आंसर इसका 12 आ जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए जरा, इसको प्लस सब बना लीजिए, सारे अगर प्लस हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 27 28 28 हो जाएगा, और 2 30 और 6 36 36 भागे 3 कर देंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। ठीक है, 12 आया ना आपका औसत, देखिए 12 आ गया, 12 तिहाई 36, इसका औसत 12 12 है, तो 12 आपका आ गया। ठीक है, ये सवाल आपके इस तरह से, आपको अगर किसी संख्या का औसत दिया हो और वो कितनी संख्या है वो पता हो और दो संख्या दी हुई हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब तीसरी संख्या का नाम वो दूसरी कह दे पहली कह दे तब भी आप उसको सरलता से कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों तो क्या कह रहा है, एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 15 का औसत 15 है, तो प्रथम 3 का औसत कितना होगा। यहाँ पर देखिए कोई भी राशि कोई भी संख्या स्पष्ट नहीं दी हुई है, सारे के साथ x लग करके किया है। अब पूछ रहा है इसमें औसत बता दिया है इसने, इसका औसत इतना है, राशियां स्पष्ट नहीं हैं, राशियां x के साथ स्पष्ट हैं, तो उसमें हमको पूछना क्या है, पहले कि हमको जानना क्या है कि प्रथम तीन राशियां यानी कि x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 का औसत हमको निकालना है, प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो उसके लिए पहले हमको संख्याएं स्पष्ट होनी चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, x के मान को निकालेंगे। x का मान जब निकल जाएगा हमारा तो इन राशियों में हम x के मान को फिल कर देंगे, और उसके बाद के चूंकि टोटल 5 संख्याएं दी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याएं दी हैं, पूछा है हमसे प्रथम तीन संख्याओं का औसत, फिर तीन संख्याओं का हम लोग औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं से x का मान निकालते हैं, तो पहले x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये राशियों का योग कर लेंगे। ठीक है, राशियों का योग, उसके बाद बटे में कर लेंगे हम क्या, राशि जितनी जितनी राशियां हैं उनका बटे कर लेंगे, बटे उतना 55 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर औसत दिया हुआ है हमारा, तो ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ से करते हैं, x प्लस 3 है पहली संख्या, फिर इसके बाद में चूंकि सबको जोड़ना होता है पहली राशि होगी तो उसके साथ प्लस हो जाएगा, चाहे तो आपको ब्रैकेट में लगा के कर लीजिए, चलिए x प्लस 1 हो, x प्लस 3 पहली राशि हो गई प्लस, फिर दूसरी राशि हो जाएगी x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी दूसरी राशि, फिर इसको जोड़ देंगे, तीसरी राशि क्या है, x प्लस 9 है, x प्लस 9 है, ठीक है, चौथी राशि हमारी x प्लस 12 है, x प्लस 12 है, ठीक है, और तीसरी पांचवी राशि हमारी x प्लस 15 है। ठीक है, ये हमारी पांच राशियां हो गई, बटे में कितना हो गया, चूंकि पांच राशियां हैं तो बटे 5 हो जाएगा, औसत दे रखा है इसने 15 दे रखा है औसत, देखिए इन संख्याओं का औसत 15 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जरा इस ब्रैकेट को यहीं से अब सोच लीजिए कि हट गया आपका ब्रैकेट, तो जितने ची अचर राशियां हैं, ठीक है, अचर राशियां जितनी जितनी हैं उनको अलग, चर राशियों को अलग, यानी x को x के साथ जोड़ दीजिए और बाकी को जो है अंकों के साथ, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 पाँच एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस आप क्या करेंगे, जो राशियां दी हुई हैं उनको जोड़ लेंगे, तो 3 और 6 9 हो गया, 9 18 हो गया, 18 2 20 और 10 30 हो गया, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 30 10 40 और 5 45 45 ये आपका ऊपर सॉल्व करने पे आ गया, बटे 5 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, हमें चूंकि x का मान निकालना है इस नाते हमें ये विधि का प्रयोग करना पड़ रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो यानी कि 5x प्लस 45 बराबर 15 5 75 75 हो जाएगा, सीधे गुणा जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इससे साथ हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। ठीक, अब x का मान हम जब निकालेंगे 5 का, 5x करेंगे, 5x इजकल टू क्या, 75 माइनस 45,
ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको अगर यही सॉल्व करना चाहते हैं तो x बराबर करेंगे आप, इसको यहीं पे माइनस करिए, इसको घटा दीजिए इनमें से, तो 5 से 5 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, 7 में से 3 चला जाए 4 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, बटे ये इसका 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काट देंगे 5 6 30, ठीक है, 5 6 30 यानी कि 6 बार जाए, x का मान कितना आया हमारा, x बराबर हमारा 6 आ गया, ठीक है, x का मान हमारा 6 आ गया। अब हमारा जब x का मान 6 आ गया बच्चों, तब हम क्या करेंगे, इन राशियों में हम लोग रख करके मान को परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। सी एक्स के मान को अब हम इन राशियों में रख देते हैं, तो पहली राशि हमारी देखिए कितना दिया था ये, इसमें अगर हम x का मान रखेंगे तो 6 मान हमारा है, तो 6 + 3 बराबर कितनी आ जाएगी राशि, कितना आएगी 9 आ जाएगा, क्लियर। दूसरी राशि में अगर रखेंगे हम, कितना मान है 6 है प्लस 6 हो जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तीसरे वाले में मान रखेंगे तो तीसरे वाले में अगर हम रखते हैं तो 6 + 9 = 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं बाकी शेष का, तो शेष का भी निकाल ले रहे हैं, 6 + 12 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक। चौथी राशि 18 हो गई, इसमें अगर हम 6 मान फिल करेंगे x का तो 15, तो कुल मिला के हमारा 21 हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो प्रथम तीन का औसत क्या होगा, यानी तीन संख्याओं, यानी इन तीन संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है, ना कि 4 और 5 का पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं का योग बटे जो है संख्या, जितनी संख्याएं दी हुई है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग जो हमारा हो जाएगा 9 + 12 + 15 बटे 3 है राशियां, तो ये 3 राशियां हो जा रही हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका औसत हमसे पूछा है, तो इसमें से कितना हो जाएगा बच्चों, 12 और 12 24 और 3 24 3 27, 27 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 27 में आप 9 जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 36 होगा। आप जोड़ करके देख सकते हैं, जैसे देखिए 5 2 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16 हो गया, एक लगा हाथ में लगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 36 हो गया ना। देखिए 3 × 3 3 × 2 = 6 12 3 = 36 कितना आया 12, औसत कितना आ गया बेटा 12। तो उसमें क्वेश्चन पूछा क्या है, तो प्रथम तीन तीन का औसत, यानी तीन क्या, तीन संख्याओं का औसत, प्रथम तीन का मतलब प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत कितना होगा 12, और पांच संख्याओं का औसत कितना बताया था इसने 15, ठीक है। तो ये इस तरह से, इस विधि से आप सॉल्व करेंगे तो प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो कुछ थे बेसिक मैथ के एवरेज के प्रश्न जो एग्ज़ाम में कम आपको आते हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक अच्छी स्थिति आपकी बन चुकी होगी एवरेज के चैप्टर की, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ आप सीख चुके हैं, और फिर अगले चैप्टर के साथ में या इसके एकाधिक एक्सरसाइज के साथ और आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना साथ अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, और हम प्रयास करेंगे कि जो भी बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं रहे हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो भी हमारे चैनल पे नए लोग हों वो ये जान ले पहले अच्छी तरीके से कि ये जो चैनल का मैथ का जो भाग है वो हम लोगों ने सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रखा है कि जो बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती है, ठीक है। तो वो कतई ये ना समझेंगे कि ये मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने का जो एक मेथड हो सकता है, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो यही तरीके हैं, जिससे कि आपको मैथ से डर ना लगे, और जब मैथ एक अच्छी समझ हो जाएगी फिर हम लोग एडवांस मैथ के साथ ट्रिकी मैथ के साथ फिर मिलेंगे। और आप लोग अपना साथ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।